परसों सुबह 11 बजे के आसपास जो घटना हुई, उस घटना ने पूरे राजस्थान को, नहीं पूरे हिंदुस्तान को झकझोरने का काम किया है। दादा सुखदेव किसी राजपूत बिरादरी के नहीं थे, उन्होंने 36 बिरादरी के लिए, सभी धर्मों के लिए आमजन की लड़ाई लड़ने का काम किया था। और जिस मामले में हत्या की गई है वो भी इसीलिए हत्या की गई है कि उन्होंने उन गुंडों को, फिरौती देने वालों को जो फिरौती मांग रहे थे आम लोगों से, उनको रोकने के लिए सुखदेव ने कहा था कि मेरे राजस्थान में, मेरे हिंदुस्तान में ना कोई लॉरेंस ग्रुप फिरौती मांगेगा, ना कोई रोहित गोदारा फिरौती मांगेगा। उस मामले को लेकर उनकी हत्या की गई है। सुखदेव गोगा मेडी उन अपराधियों के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन चुके थे, पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। आने वाले वक्त में अब हम यहाँ से पैदल जाकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और 72 घंटे का प्रशासन ने समय दिया है। अगर 72 घंटे में प्रशासन ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया, इनकाउंटर नहीं किया, तो महेंद्र के इसी चौक पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। और सभी नौजवान साथी सुन रहे हैं, सुखदेव दादा ने एक बात कही थी कि मैंने पता नहीं कितने सुखदेव पैदा कर दिए हैं, तो आपको जल्दी ही देखेगा। और जो नितिन जो हत्यारा है उसकी तुरंत गिरफ्तारी, उनके ऊपर 307 लग गई थी 15 दिन पहले, वो क्यों निकले, कैसे निकले, इसकी भी जांच, क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हमारे गांव में कुड़ाना में इन्होंने गोली चलाई थी, पुलिस ने, हमने पूछा था क्यों छोड़, क्या मामला था, बोला ये तो फौजी की गाड़ी है, बिना बताए किसी को बैठा लाए, वो फौजी को बताया नहीं गया, जिसको इतना सरी बताते थे उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया, पैसे और किलर है, उसके खिलाफ जाँच होनी चाहिए, ये जाँच होनी चाहिए। और वो महेंद्र का, इसलिए हम उसको बड़ा संयम ना पाए, इससे पहले महेंद्र पुलिस उसको गिरफ्तार करने का काम करे। आपका नाम? डॉक्टर नरेश सिंह सेना से जाता है। आज यहाँ महाराणा प्रताप चौक पे हम अपने वीर जिनकी शहादत पे हम 36 बिरादरी के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरा महेंद्रगढ़ इकट्ठा हुआ है। हम ये जो इतना बड़ा दुराचार समाज के साथ, जो मानवता के साथ, इसकी हम तत्काल सरकार से और जो पुलिस प्रशासन किस चीज में ये ढिलाई बरती गई, संरक्षण से अपराधी 3 महीने बचा रहा, मतलब कि इतना जघन्य अपराध ये हुआ है, इस समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और हम सभी अपील करते हैं, पूरे सर्व समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, सभी हम ये अपील करते हैं इसकी न्यायिक जांच एकदम NIA के थ्रू, चाहे सरकार किसी भी जो सरकारी तंत्र है उनसे इसकी जांच करवाए, और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई इस पे करी जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम यही सरकार से, प्रशासन से, सभी इसीलिए इकट्ठे हुए। बहुत बहुत संजय सुशील भाई, देखिए इसी बात को लेके जिस तरीके से आश्वस्त
और केंद्रीय गृह मंत्री और जिस तरीके से डीजीपी राजस्थान और हरियाणा के डीजीपी मिलीभगत जिस तरीके आश्वस्त किया गया है उसी को लेकर 90% समाज संतुष्ट हुआ है और दाह संस्कार और पोस्टमार्टम पर ये संतुष्टि की आशा जताते हुए आज दाह संस्कार का कार्यक्रम आज उनके गोगामेडी में किया जा रहा है। लाखों के लोग उसके शव यात्रा के अंदर दर्शन कर रहे हैं और साथ दे रही है और मुख्य तौर से एक कलंकित काम करने वाला महेंद्रगढ़ जिला के अंदर आज महाराणा प्रताप चौक पे जिस तरीके से समाज के लोग एकत्रित हुए हैं उसी के अंदर उसी कड़ी में आज लाखों लोग यहाँ पर इकट्ठे होने थे लेकिन जिस तरीके से ये संतुष्टि भरा जवाब जो आश्वस्त दिया गया है उसी के मद्देनजर रखते हुए सभी लोग ये रोड पर कट और श्रद्धांजलि में पहुंचे। इस हत्याकांड के उधार हरियाणा से जुड़े हैं, महेंद्रगढ़ से जुड़े हैं। एक मिनट सर, सर सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ हरियाणा महेंद्रगढ़ नहीं, इस हत्याकांड के उधार मेरे गांव महेंद्रगढ़ से मेरे गांव कुडाणा से जुड़े हैं। आज से लगभग 3 महीने पूर्व कुडाणा में एक वारदात हुई, एक हमले के लिए लोग घुसे, 6 लोग थे, उन पे 307 और अन्य धाराएं मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। नितिन चौधरी नाम का व्यक्ति जिसकी ब्रेजा गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया और नितिन चौधरी को 3 महीने तक पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, 5 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया, नितिन को खुला क्यों छोड़ा जबकि नितिन पेशेवर क्लियर है इस बात का भी पता है और नितिन को किस नेता की सह पर किस अधिकारी की सह पर प्रोटेक्शन और संरक्षण दिया गया, पुलिस पे दबाव बनाया गया कि 307 कच्ची है, 307 तुड़वा देंगे, नहीं टूटी तो कोर्ट में टूट जाएगी, ये बात कहके पुलिस पे दबाव बनाया और उसकी गिरफ्तारी को रोका, इसलिए वो राजस्थान में फरार हो गए और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस बात की जांच होनी चाहिए, उस अधिकारी के उस नेता के मोबाइल फोन की जाँच होनी चाहिए, 3 महीने के मोबाइल कॉल्स बरामद किए जाए, उसके सीसीटीवी कैमरे कौन है वो नेता किसके सभी लोग कह रहे हैं। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कल भी कहा था, नेशनल टीवी पे भी कहा था, संदीप सिंह चौधरी जो यहाँ बड़ी लालसा से राजनीति करना चाहता है, हमारे युवाओं को नशे की ओर अपराध की ओर लेके जा रहा है, पूर्व में उसके पिता मंत्री रहे यहाँ से, उसके घर में HCS अधिकारी है, HPS अधिकारी है, 10-10 अधिकारियों के दम पे अपराधियों को संरक्षण और सह दे के फारिग करवाता है, पुलिस पे दबाव बनाता है, पुलिस पे दबाव बनाता है, अपने संगठन के जरिए अपने अधिकारियों के जरिए और गिरफ्तारी करवाता है। आप बताइए समाज की देश की राष्ट्र की इतनी बड़ी दोहर को हमने खो दिया तो क्या इस व्यक्ति की जांच नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए और हम प्रशासन से IDCID सभी एजेंसियों से ये मांग करते हैं कि आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, आप स्पष्टीकरण दें किस नेता का दबाव था, किसकी सिफारिश थी, आपने 5 को कर लिया, मुख्य आरोपी पेशेवर किलर सुपारी लेकर मर्डर करने वाले को अभी तक आपने सड़कों पर खून बखेरने के लिए खुला क्यों छोड़े रखा। लगातार आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर भी, उनका नाम पहले भी आया है, तो इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हो, अब ज्यादा धूल पकड़ता जा रही है श्रद्धांजलि देने के लिए समाज एकत्रित, पुरजोर अपील करते हैं भारत सरकार से, मोदी जी से, राजस्थान सरकार से, हरियाणा सरकार से कि बदमाश प्रवृत्ति के जो जो आदमी है उनको सीधी गोली मारने का काम करें, इनकाउंटर करें, उनको इनको सीधा गोली मारने का काम करे, इनको समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से सामाजिक व्यवस्था को ये लोग खराब करना चाहते हैं तो हम भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, हरियाणा सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए, सीधा इनकाउंटर में ढेर किया जाए इन लोगों को जो बदमाशी की तरफ आकर्षित होते हैं। यही मेरा तो निवेदन है इस सरकार से और उनको हम तो सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, गोगामेड़ी और उनकी शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, लाखों गोगामेड़ी आज पैदा हो गए हैं उनके क्रांतिकारी विचारों के, उनके बलिदान की बदौलत आज यहाँ पूरा देश सड़कों पर है, जाम है, जयपुर में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जगह जगह गोगामेड़ी के समर्थन में उनके क्रांतिकारी विचारियों से प्रभावित होकर लोग
आज उनके साथ जुटते चले जा रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि हम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं अब आगे की आप लोगों की क्या रणनीति है? महेंद्रगढ़ में प्रदर्शन कब तक चलेगा? महेंद्रगढ़ की जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने जो मांगे मानी थी वो मान लिया है, नहीं ऐसे जांच हो जाएगी और सभी मांगे मान लिया, लेकिन उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा है कि महेंद्रगढ़ पुलिस ने महेंद्र शासन प्रशासन और सरकार ने इस पेशेवर किलर को 3 महीने तक खुला सड़कों पे खून खंडेरने के लिए क्यों छोड़े रखा और किसकी इच्छा पर इसको सुरक्षा मुहैया कराई गई? जब तक पूरी तरह से न्यायिक जांच, पूरी तरह से आदेश नहीं मिल जाएंगे और इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक महेंद्रगढ़ के लोग, महेंद्रगढ़ की सर्व बिरादरी इस मुहिम को कायम रखेंगे और हम सब लोग किसकी साथ रहेंगे और ये सब जांच सही तरीके से एकदम लामबद्ध तरीके से, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। जो भी इसमें दोषी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। हम सब लोग एक साथ एक स्वर में सर्व बिरादरी छत्तीस समाज पूरा महेंद्रगढ़ इस बात के लिए साथ बैठे हैं और दादा सुखदेव की इस कुर्बानी को कोई भी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। धन्यवाद। उसी हत्यारे ने कुडाना गांव में कुछ रोज पहले गोली चलाने का काम किया था और 307 हाँ उसके अंदर आरोपित है वो, उसको किस नेता के माध्यम से, किस अधिकारी के माध्यम से उसको छोड़ने का कार्य किया? पहली मांग हम महेंद्रगढ़ के लोग इस बात की लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है किसकी निष्पक्ष जांच कर उन दोषियों पे आप कार्रवाई करने का कार्य करेंगे, सही कर रहे हो भाई? हमारे महेंद्रगढ़ के लोगों का ये आपसे निवेदन करने का है। बाकी जो राष्ट्रीय मांगे थी INA की थी या गृह मंत्री की थी या DGP सरकार की थी या वो राजस्थान की बात थी, हम केवल महेंद्रगढ़ के प्रशासन से ये मांग करने आए हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके जेल के अंदर ठोकने का कार्य करें, यही आपसे निवेदन करने आए हैं। और रोज प्रदर्शन है हमारे पुलिस से पूछो क्यों छोड़ा गया, अब तक गिरफ्तार। बाकी और थे, एक भवानी सिंह के 4-5 और थे, वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं, वो अब तक नहीं हुआ। ये हमें अभी मुकदमे वांटेड है, हमें छोड़ा नहीं, इसको वांटेड है। तो गाड़ी तो गिरफ्तार भी नहीं किया साहब, गिरफ्तार भी नहीं किया साहब, 3 महीने गाड़ी छोड़ चुके हैं, 3 महीने वांटेड है वो, लगे हुए हम पीछे उसके, हमारी एसटीएफ भी लगी हुई उसके पीछे। हमें आपकी काबिलियत पे कोई संदेह नहीं है, यू आर ऑनरेबल ऑफिसर, लेकिन किसका दबाव है प्रशासन पे जिसके कारण उसको सर 5 को गिरफ्तार कर लिया गया और मोस्ट किलर को गिरफ्तार नहीं किया गया? कल 35 विधायक थे जयपुर में और हम महेंद्रगढ़ से गए हुए थे, उन सभी ने कहा कि तुमने अभी तक प्रशासन से ये कहीं नहीं पूछा कि एक मोस्ट वांटेड अपराधी को मुख्य 307 के आरोप में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया?
उन्होंने 35 विधायकों ने हमसे पूछा, लगे हुए हैं, हमारा वन सीट है वो, और हमारी एसटी ऑफ हरियाणा भी लगी हुई है। अभी तो उसको गिरफ्तार कर लिया, हम पूछ रहे हैं कि इतने बड़े अपराध में आपने बिफोर द मर्डर, बिफोर द मर्डर भाग रहा था वो। नहीं, ये संदेह आपके ऊपर दबाव है, आपकी काबिलियत में कोई शक नहीं है, लेकिन आपके ऊपर दबाव जिस नेता ने, जिस भ्रष्ट अधिकारी ने उसको सह प्रोटेक्शन संरक्षण दी, फरारी कटवाई, ऐसे है नहीं है कुछ भी। अभी अगर वो राजस्थान ने पकड़ा है तो उसमें वहाँ भी पता चल जाएगा किसने क्या किया है, फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी। हमारी तसल्ली तो जब जिसने प्रोटेक्शन दी उसकी कॉल डिटेल्स, जिस नेता अधिकारी की 3 महीने से जुड़ा हुआ हम कर रहे हैं उसके बारे में आप हमें मत बताइए, हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हमारे हिसाब से कर रहे हैं, हम जिस पे आरोप लगा रहे हैं उसकी भी जांच हो, उसकी भी जांच होगी। संदीप सिंह एसडीएम का बात आ रहा है, उन्होंने उसको फोन करके प्रोटेक्शन संरक्षण लिख के नहीं जो लिखा है उनकी लिख देते हैं, नाम नहीं लिखा है आपने, नाम लिखवा देंगे सर अगर बुला लेंगे ऐसा, तो आप लिखित में शिकायत दे दीजिए डीएसपी, हम कर लेंगे उसमें, अगर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। उसकी गाड़ी, फौजी की गाड़ी बरेजा गाड़ी थी, वो गांव वालों ने तोड़ दी थी, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गए। उसके बाद वो गाड़ी को भी छुटवा के लेके गए, पुलिस से पूछो वो क्यों छोड़ा गया, अब तक गिरफ्तार। बाकी और थे, एक भवानी सिंह थे, 4-5 और थे, वो सब गिरफ्तार हो चुके, वो अब तक नहीं हुआ। ये हमें वांटेड है, हमें छोड़ा नहीं है इसको, वांटेड है ये। तो गाड़ी तो गिरफ्तार भी नहीं किया साहब, गिरफ्तार भी नहीं किया, गाड़ी छूट चुकी है, वांटेड है वो, लगे हुए हम पीछे उसके, हमारी एसटीएफ भी लगी हुई है उसके पीछे। हमें आपकी काबिलियत पे कोई संदेह नहीं है, यू आर ऑनरेबल ऑफिसर, लेकिन किसका दबाव है प्रशासन पे जिसके कारण उसको 5 को गिरफ्तार कर लिया गया और मोस्ट किलर को गिरफ्तार नहीं किया गया। कल 35 सर, कल 35 विधायक थे जयपुर में, और हम महेंद्रगढ़ से गए हुए थे, उन सभी ने कहा कि तुमने अभी तक प्रशासन से ये कहीं उन्होंने पूछा कि एक मोस्ट वांटेड अपराधी को मुख्य 307 के आरोप में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। उन्होंने 35 विधायकों ने उसमें लगे हुए हैं, हमारा वन सीट है वो, और हमारी एसटीएफ हरियाणा भी लगी हुई है उसमें। अभी तो उसको गिरफ्तार कर लिया, हम पूछ रहे हैं कि इतने बड़े अपराध में, नहीं ये संदेह है आपकी काबिलियत में कोई शक नहीं है, लेकिन आपके ऊपर दबाव जिस नेता ने, जिस भ्रष्ट अधिकारी ने उसको सह प्रोटेक्शन संरक्षण दी, फरारी कटवाई, ऐसे है नहीं है कुछ भी। अभी अगर वो राजस्थान ने पकड़ा है तो उसमें वहाँ भी पता चल जाएगा किसने क्या किया है, फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी। हमारी तसल्ली तो जब जिसने प्रोटेक्शन दी उसकी कॉल डिटेल्स, वो हम जिस नेता अधिकारी की 3 महीने से इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं उसके बारे में आप हमें मत बताइए, हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हमारे हिसाब से कर रहे हैं, हम जिस पे आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच हो, उसकी भी जांच होगी। संदीप सिंह एसडीएम का बात आ रहा है, उन्होंने उसको फोन करके लगातार इन साहब की मांग यहां पर की जा रही है। अगर बात कर ले तो सत्तासीन बीजेपी पार्टी से पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के भतीजे नवीन नोनू शर्मा यहां पर पहुंचे हैं लगातार। इसी के साथ साथ काफी समाज सेवी लोग हैं, वो भी यहां पर न्याय की मांग करने के लिए लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि हत्यारों को फांसी दी जाए, हत्यारों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है। पुलिस के साथ जो है और गांव में उनका झगड़ा हुआ था, गांव के बाद पुलिस जब उनके पीछे लगी थी तो पुलिस पार्टी पे भी उन्होंने अटैक किया था, उस पर हमने 307 का केस रजिस्टर किया था। सर क्या राजस्थान पुलिस के द्वारा कुछ सहयोग मांगा गया हरियाणा पुलिस से अभी तक एसटीएफ हरियाणा महेंद्रगढ़ आने की बात? हाँ, वो आपस में हमारा चल रहा है उसमें। सर लॉरेंस गैंग और संपत नेहरा गैंग से बताया जा रहा है, जरूरत है? बिल्कुल है सर, ऐसे कई और गैंगस्टरों का नाम भी आ रहा है जो लॉरेंस से जुड़े हुए हैं और महेंद्रगढ़ जिले के ही वो गैंगस्टर बताएगा। वो अगर ऐसा है तो उसमें हम जो है अपने सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उसमें। सर अभी इस नितिन वाले मामले में क्या चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है शहर के अंदर? हाँ, कुछ समाज के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ।
तो जो है बाकी उन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन एसडीएम साहब को रिसीव हो चुका है और उसके प्रति भी हम सब लगे हुए हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे सर आज? लोगों से अपील यही करेंगे, शांति बना के रखें और क्रिमिनल्स के प्रति कोई भी सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस से शेयर करें ताकि हम उसमें जो है कामयाब हो पाए।